सीधे लिए चलते हैं आपको दार्जिलिंग, वहां से मौसमी हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। दार्जिलिंग को पूरे देश में मौसमी उस चाय से पहचाना जाता है, लेकिन वहां की पहाड़ियों के बीच आज आप मौजूद हैं। वहां पर कौन सी हवा और कौन से सूरज को उगते हुए देख रही हैं आप पहाड़ियों के पीछे से, और जरा कतारें दिखाइएगा। नमस्कार नमस्कार अंजना, हजूर हरु कस्तु हनु हुंचा, हमी पहाड़ों की रानी, सुंदरता की खानी, दार्जिलिंग बटा। जरा दिखाइए पवन, कितना सुंदर ये पोलिंग बूथ है। बीटी कॉलेज में ये पोलिंग बूथ है और दार्जिलिंग पहाड़ों की रानी तो है ही। कहते हैं दार्जिलिंग अपनी चाय 6 टीज के लिए मशहूर है अंजना। टूरिस्ट ट्रैकर्स पैराडाइज, टॉय ट्रेन और यहाँ की जो टी है। और आप बात कर रही थी महिलाओं की, महिलाओं विमेन पावर अगर कहीं देखना है तो आप उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों में आ जाइए, चाहे वो काम के क्षेत्र में हो, कर्म पथ पे हो या फिर मतदाता के तौर पे। यहाँ देखिए आप, इस लाइन में आपको महिलाओं की लाइन जो है लगातार भरी भरी नजर आ रही है सुबह से, और महिला कर्मचारी भी हैं जो लगातार कोरोना के मद्देनजर एहतियात भी बरती जा रही है। महिला पुलिसकर्मी भी हैं, चुनाव आयोग से जो जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, सब महिलाओं का ही बोलबाला यहाँ चल रहा है। और ये बात करते हैं यहाँ पे महिला वोटरों से। मैम, यहाँ पे हमने देखा द वुमेन आर वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स। सो अंजना, आपको बताऊं मैं कि जब मैं दार्जिलिंग आ रही थी तो मुझे सीटियों की बहुत आवाज आई, वो रिपोर्ट भी मैंने फाइल की थी, और सीटियों की आवाज आ रही थी। महिला कार्यकर्ता जो सीटी उनका चिन्ह था उनके उम्मीदवार का, वो सीटी बजा के कैंपेन कर रही थी। तो कुछ इस तरह से महिला फ्रंट पे रहती हैं, फ्रंट फुट पे बैटिंग करती हैं। और आपको बता दें कि बहरहाल अगर दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग में चुनाव प्रचार आसान नहीं होता, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, ऊपर ऊपर तक चल के जाना होता है और उतना ही मुश्किल वोटर के लिए। मौसम जरा आप देखिए, बादल छाए हुए हैं, कल खूब बारिश हुई है, हम लोग जैकेट और स्वेटर पहने हुए हैं, तापमान एकदम नीचे गिर गया था और काफी ठंडक है। इसके बावजूद भी वोटर हो चाहे वो पोलिंग ऑफिशियल्स हो, बड़े बड़े बक्से लेके हमने पहाड़ों पे चढ़ते देखा वोटर, तीन तीन दिन जो है सफर करते हैं, वो भी रिपोर्ट हमने देखी। तो एक तरीके से गोरखा आइडेंटिटी को लेके, गोरखा की सियासी जगत में अपनी पेट को लेके यहाँ पे पॉलिटिक्स लगातार होती आई है, और यही वजह है कि वोटर भी अंजना बहुत जागरूक है यहाँ पे। बिल्कुल, आप बने रहिए वहां से, क्योंकि ये खूबसूरत वादियां देखने के लिए बार बार हम लोग चलेंगे, क्योंकि नीचे जो इलाके हैं, निचले इलाके, वहां पर तो गर्मी ने मार डाला है। वहां पर पश्चिम बंगाल में दिन में कड़ी धूप हो जाती है, हालांकि जब कोलकाता से कल हम लोग निकल रहे थे तो मौसम वहां भी बदला था।